क्या कर रही हो? क्या कर रही हो का क्या मतलब? आज के जमाने में ये बोटाई कौन पहनता है पूरा? कोई फैशन सेंस तो होना चाहिए। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे रहने दो। लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मेरा हस्बैंड ऐसी मामूली सी बोटाई पहने। तुम जानते हो ना कि अगर तुम ये स्टूपिड बोटाई पहन गए तो तुम पीटर्स के हेड लगोगे। एंड आई डोंट लाइक इट। अगर खुद का फैशन सेंस नहीं है तो मेरा फैशन सेंस फॉलो कर लो। आस्क फॉर सजेशन एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू स्वीटहार्ट। जानते हो ना आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई डोंट वॉन्ट देम टू थिंक कि मेरा पति ऐसे कपड़े पहनता है और उसे कोई फैशन सेंस ही नहीं। Excuse me? What's so funny, Pura? अगर मैं तुम्हारा ट्रेंड फॉलो करूंगा तो मुझे ब्लैक पहनना पड़ेगा। ब्लैक? क्योंकि ब्लैक तुम्हारा कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है। Don't talk to me like that, okay? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे? देखो पूरा मेरा मूड स्पॉइल मत करो तुम। जो मेरी लाइफ स्पॉइल करी यू ट्राइंग टू से। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ब्लैक कलर मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ब्लैक तुम्हें पसंद है। और जो लोग ब्लैक पहनते हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं क्योंकि ब्लैक मींस एंग्री, ब्लैक मींस अनहैप्पी। ओ रियली? देन मेक मी हैप्पी पूरा। खुश रहने की वजह दो ना मुझे। गिव मी। तुम मुझे एक वजह दो कि मैं तुम्हें खुश रहने की वजह क्यों दूं? पूरा तुम चलेगा? तुम दोनों लड़ रहे हो। झगड़े से तो प्यार बढ़ता है ना भाई। और अगर प्यार होगा तभी तो लोग हैप्पी होंगे ना। कभी प्यार से बात करने की कोशिश करो, उससे भी प्यार बढ़ता है। इनेस, मैं गुरु से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या है? शो गेट रेडी स्वीटहार्ट। क्या हो रहा था? अरे कुछ नहीं, बस कपड़े चेंज करने को बोल रही थी। शो अच्छा लगे पहन ले। हाँ तू चल, मैं आता हूँ। बाय गॉड प्राची, तेरे इस आइडिया पे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है। हम यहाँ पढ़ाई करने आए थे, ये काम नहीं। अरे पढ़ाई के लिए तो कर रहे हैं सब, तो यही वाला काम क्यों? क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये तो सुना सुना लग रहा है। मेरी माँ ने कहा था। मासी ने नहीं, शाहरुख खान ने कहा था। हाँ तो उन्हें उनकी अम्मी ने कहा होगा। उनकी माँ हो या मेरी माँ, माँ तो माँ होती है। ठीक है मेरी माँ समझ गई। प्राची सर, बाहर अभी तक तो टेबल सेट क्यों नहीं है? जाओ और ये टेबल को बाहर जाके टेबल पे रखो। ये सब? हाँ ये सब। लेकिन हम कर देंगे सर, हम कर देंगे। ओके तू ये ध्यान रख, मैं आती हूँ। Hi. अच्छा हुआ आप आ गए, सब गेस्ट आपका वेट कर रहे थे, पूछ रहे थे आपके बारे में। अच्छा कर रहे थे वेट, उनसे कह देना पर मैं कोई गाना वाना नहीं गाने वाला। अगर रिया बोलेगी तभी भी नहीं? रिया थैंक यू फॉर ये जो तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इतना काम किया उसके लिए थैंक्स। इसके लिए आप मुझे सैलरी देते? सैलरी काम का देता हूँ, रिया को खुश रखने का नहीं। तुम जो उसे खुश रखती हो उसके लिए अगर मैं थैंक्स भी कहूँ तो भी कम है, पर फिर भी थैंक्स। इट्स ओके, यू आर सो स्वीट। वैसे विक्रम का अभी तक आया नहीं? पता नहीं, आई सॉ हिम, आई डिडंट सी हिम एक्चुअली। हाँ हाँ भाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू इतने लेट क्यों आए? मैं देखना चाहता था तू मुझे कितना मिस करता है। और वैसे भी जो जितना नजदीकी होता है वो उतना ही लेट आता है। अरे नजदीक क्या, एक ही तो घर में रहते हैं, पास कदम चलो और घर सामने। चलना उससे क्या छुपा, हम लेट इसलिए हुए क्योंकि डिनर पे डेट है। आप भूल रहे हैं कि मैं यहीं खड़ी हूँ। अरे मोहतरमा, कभी शीशे से बाहर निकल के बाहर आसपास नजर घुमाएं, पता चलेगा घर में और भी लोग हैं।
कि हमेशा मेरे मेकअप के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आदमी, मेरा मतलब है कि मेरे घर पे मेरी बीवी के अलावा एक बेटी भी तो है। मॉम, डैड, यू। व्हाट्स यू? आई एम योर अंकल। ऑब्वियसली। मॉम, डैड, रिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। अच्छा ठीक है, मैं रिया से कहता हूँ कि उसने अपने हाथ पे जो मिस्टर इंडिया वाली वॉच पहन रखी है ना, वो फेंक दे, क्योंकि तुम उसे देख नहीं पा रही हो। डैड, आप तो हर बात पे मजाक करते हैं। मीरा, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज रिया? वो मिष्टी, वेयर आर योर मैनर्स? व्हाई आर यू कॉलिंग हर मीरा? इट्स आंटी। इट्स ओके, इट्स ओके। आई हैव टोल्ड ऑल द गर्ल्स टू कॉल मी मीरा। बेटर नो? हे, आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग। हे, व्हाट्स अप? ऑल गुड। हाउ आर यू? सुपर्ब। हाउ आर यू? यू नो व्हाट, I won the football match yesterday. I'm not surprised. वो तो होना ही था. Star material जो. And mark my words. एक दिन मैं तुम्हें अपने से भी बड़ा rockstar बनाऊंगा. ये कमाल है. बेटा मेरा और बिगाड़ तुम रहे हो. अरे सच बताओ तो इस मामले में मेरा नाम बहुत खराब है. सब रिया के बारे में भी यही बोलते हैं. मैंने उसे बहुत बिगाड़ के रखा है, but I don't think so. क्या भी है तो क्या है? Anyways, excuse me. You guys carry on. Let's go. So finally, मेरा रॉकस्टार बनने का सपना तो पूरा होने वाला है। और जब मैं रॉकस्टार बन जाऊंगा ना, तो तुम्हारी सारी फ्रेंड्स मेरी फैन हो जाएंगी। मॉम, रणबीर फिर से मुझे तंग कर रहा है। रणबीर, मॉम, मैं रिया को देख कर आती हूँ। बिल्कुल नहीं। You are not going anywhere. अरे, let her get ready. Excuse me, guys. I'll see you in a while. Okay? मॉम, रणबीर अपने फ्रेंड से मिल सकता है, मैं रिया से क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि तुम उसे डिस्टर्ब करती हो। What? You idiot! देख के नहीं चल सकती क्या? पहले उसने बर्थडे खराब किया। सॉरी, लगता है बर्थडे गर्ल थी, सॉरी भी नहीं बोल पाई। चली। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। रणबीर। हाय। संगीता। या, आई नो यू। अच्छा, तुम मुझे जानते हो? या? तो कॉलेज में मुझे देखते क्यों नहीं? वो एक्चुअली मेरा या फिर चुप-चुप के देखते हो, पर मुझसे बात नहीं करते। नहीं 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 नहीं, यू नॉट गेटिंग इट। इट्स याद है लकी की पार्टी में हमने कितना एंजॉय किया था? हां, वो एक्चुअली मैंने लकी की पार्टी में बहुत ड्रिंक कर ली थी, वो भी गलती से। यार जानबूझ के कर लो ना। नहीं नहीं, मेरा फैमिली फंक्शन है और मैं अरे तुम घबराते रहे हो। नहीं नहीं, वो मैं कहता फैमिली पार्टी में इतना भी नहीं चलता। नहीं, आई एम सो नहीं, पड़ोसी की पार्टी में। मैं यहाँ चीफ गेस्ट हूँ। So you're sarcastic also. I get. Thank God, थोड़ा तो दिमाग चला। मुझे तो लगा पूरे ही dumb हो। How dare you call him dumb? अगर इतनी फिकर है ना इसकी, तो इसे कह दो अपनी बॉडी के साथ साथ दिमाग के लिए भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करे। फिर कोई dumb नहीं बोलेगा। तुम्हें पता भी है ये कौन है? He's the hottest guy in the college. तुम लोगों का दिमाग इतना ही चलता है ना? ये hot है, वो cool है। इसके आगे तो कुछ समझ में नहीं आता। What do you mean? आई मीन, जिस लड़के को तुम किस करने की कोशिश कर रही थी ना, वो कल कॉलेज में दो लड़कियों के साथ बिना शर्ट के घूम रहा था। तुम्हें लगता है तुम इसकी हो? मेरी नजर में तुम तीसरी हो। मैं नंबर 3 हूँ या नंबर 13? आई एम ग्लैड मैं लिस्ट में तो हूँ। कम से कम उन गर्ल्स में से तो हूँ जो रणबीर को टच कर सकती है। यू नो व्हाट, रणबीर की परछाई भी अगर टच करने को मिल जाए ना, तो मैं खुद को बहुत स्पेशल समझूंगी। थैंक यू स्वीटहार्ट। एंड यू ब्रांच, मुझे समझ में आ गया तुम ऐसा क्यों करते हो। क्यों? क्योंकि यू आर जेलस। तुम जलती हो कि वो जो मेरे साथ कर पाती है वो तुम नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है दुनिया की सारी लड़कियां तुम पे मरती हैं? क्लियरली। तो मैं तुम्हें बता ही दूं, इन सितारों की आपकी भी एक दुनिया है। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तो सारी दुनिया तुम्हारा कॉलेज ही है। तो अपने छोटे से दिमाग से ये फितूर निकालो और हेल्प करो मेरी। एक मिनट, ये तुम्हें शीट सुटाने को बोल रही है? ये लो, पकड़ो इसे। ढंग से नहीं पकड़ा सकते। अरे ओ मैडम, मेरे पास तुम जैसी लड़कियों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, समझ में आया? जितना टाइम मिला है ना, उतने में इतनी ही हेल्प होती है। होगा भी कैसे, सब तो इन जैसी लड़कियों पे खर्च कर देते हो। अगली बार तुम मेरे सामने आओ ना, तो मेरे से बात करने का तरीका सीख के आना, समझ में आया? सीख लेती, पर मेरे पास भी तुम जैसे लड़कों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है।
कि समझती क्या है खुद को। ये क्या, मैं खुद नहीं समझ पा रहा है क्या चीज है। Everyone is waiting for you. I hope कि मेरा birthday best birthday जाए। We'll soon find out. Oh, happy birthday! Thank you. आई तो लव हर नेकलेस, ब्यूटिफुल तो होना ही था, डैडी का गिफ्ट जो है, डैडी डॉटर इज बोर्न इट, तो ब्यूटिफुल तो होना ही था। एग्जैक्टली बे, आपके हस्बैंड तो आ गए बट मेरा भाई कहाँ है? आई डोंट नो स्वीटहार्ट, आता ही होगा। डैड, माय फ्रेंड्स आर हियर, कैन आई गो प्लीज? इट्स योर डे देन, गो हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अब आ रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता है ना मेरी पार्टी में लेट आना क्राइम है। इस क्राइम की हर सजा हमें मंजूर है। प्रिंसेस? ओह प्रिंसेस, I like that. नेकलेस इतना प्रिटी पहना है, प्रिंसेस ही तो लग रही है। थैंक यू, डैडी ने गिफ्ट किया तो फिर तो होना ही था। Hey guys, how are you? Hey रणबीर। Hey how are you? Cool. All good. What's up? Hey bro, how are you? All good, all good, all good. Cool party man. Thank you. You guys enjoying yourself? Of course. Party is cool, but she's so hot. Yeah man. Ladies and gentlemen, may I have your attention? In fact, she's the hottest girl I've ever seen. Isn't she? Excuse me. You guys, meanwhile, enjoy the party and have fun. Cheers. 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 Can I get you something else? Pachi, 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 Pachi. ये अमीर लोग सपने नहीं देखते होंगे ना? इनके पास सब कुछ तो होता है, ना कोई सपना ना कोई डिजायर, सब कुछ तो है, फिर भी किसी चीज की कमी लगती है। क्या कमी? देखना, इतनी बड़ी फैमिली है फिर भी सब अलग अलग खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका प्यार बढ़ गया हो, हमारी फैमिली की तरह नहीं, जहाँ सबका प्यार एक ही में समाया हो, फिर वो मेरी माँ हो या तेरी दादी। नहीं चल, तू ना जब मिलती बातों में लगा देती है, सर्व कर, उसी के पैसे मिलने। चल जा। You? I don't remember inviting you. Nice. तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में वेट्रेस हो। एक ही मुलाकात में इतनी गिर गई कि अब आंख भी नहीं मिला सकती। चिंपी डिंपी मोना प्रिया, प्लीज कम हियर। पहचाना इन्हें? ये वही है जो कॉलेज में मुझ पे हंसी थी। वहां तुम हंसी थी, यहां मैं हंसूंगी, वो भी अपने दोस्तों के साथ। Ragging तो होती है, and this time you stay out of it. Excuse me. शाना जा, हम यहाँ काम करने आए, कोई शिकायत पूछिए जा। राजी क्या? Go. Bye. Can I just do my job? Job? Well, ये मेरा birthday party है, so technically तुम मेरी employee हो. So जो order मैं दूँगी, वो तुम्हें follow करने पड़ेंगे. Part of the job. You know. So girls, इससे पहला ऑर्डर क्या दिया जाए? गाना गवाते हैं। गले से आवाज तो निकल नहीं रही है, गाना क्या गाएगी? What about death? Oh, lovely. I like that death. वो लड़का दिख रहा है तुम्हें? उसके ऊपर जाके ड्रिंक पिक किया। That's your first order. Cool. और मैं ये करने से मना कर दूं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस दोस्त को नौकरी से निकाल दूंगी और तुम्हारी एजेंसी में भी कंप्लेंट करूंगी।
तुम्हारी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी और काम तो दोबारा कहीं मिल नहीं रही बात. सो गर्ल गो एंड डू योर जॉब, सेव इट. बर्थडे गर्ल का ऑर्डर है, यू कांट रिफ्यूज. एग्जैक्टली. यहाँ रहने हैं तो यहाँ रहने और खाने के पैसे देने होंगे. देखो मुझे यहाँ सर्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है. अगर तुम दो मिनट के लिए मेरी ये ट्रे पकड़ो तो शायद मैं तुम्हारा ऑर्डर पूरा कर सकूं. Whatever. Now जाओ और उस लड़के पे ड्रिंक गिरा दिया. Otherwise you are fired. Wow. अब अपनी पार्टी में ड्रिंक सब कर रहे हैं. Thank you. देखा, इसे कहते हैं अच्छी संगत का असर. तुम दो मिनट मेरे साथ खड़ी क्या रह गई जब तुम्हारी इतनी तारीफ करने लगी. और ये दिल से निकली हुई तारीफ है, वो नहीं जो तुम्हारे ये फ्रेंड्स तुम्हारा स्टेटस देख के करते. देख क्या रही हो, इसे पकड़ो. थप्पड़ तो इसे अब पड़ेगा जो रणबीर इसे मारेगा. और वो ही रणबीर की साइड से मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा. It's fine, nobody. सर आपके कपड़े चेंज करके आ जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट doesn't matter. पर हुआ कैसे? मैं कौन वो डांट सब बता देगी. हर पल भी सो अपसेट. क्या सोच रही हो? इतनी दूर से ड्रिंक यहाँ तक कैसे गिरी? सर मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और ड्रिंक गिर गई. ऐसे Fine, don't worry. Guys, मैं चेंज करके आता हूँ. I'm sorry, sir. Relax. इसने रिया का नाम क्यों नहीं लिया? ये रिया का नाम लेके उसे डांट पड़वा सकती थी. नहीं? या क्यों नहीं? क्योंकि हम दोनों में फर्क है. स्टेटस का नहीं, संस्कारों का, एथिक्स और प्रिंसिपल्स का. मैं इसका बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहती जैसा इसने मीरा किया. आज तुम्हारा भी बर्थडे. तुम अपने बर्थडे पे काम क्यों कर रही हो? क्योंकि लाइफ ने बहुत ही कम समय में मुझे बहुत कुछ सिखाया. एंड आई विश तुम्हारी ये फ्रेंड भी लाइफ से थोड़ा बहुत सीख सके. तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो जो हर बात तुम्हारा लेक्चर सुनूं मैं. होती तो सुन लेती. What's wrong with you? बहन जी. बहन जी. मेरी बहन. मेरी. Get a life. What's wrong with you? तुमने अभी मुझे बहन जी बुलाया और बहन मानने को भी तैयार नहीं. तुमने सिर्फ मुझे बहन नहीं बुलाया, प्यार और इज्जत से जी भी लगा. जी भी लगा. Get the hell out of here. Now. तुम लोग मेरी दोस्त हो ना, तो उसकी बातें क्यों सुन रही थी? उसका लेक्चर सुन के बहुत मजा आ रहा था. इम्प्रेस हो गई? I'm sorry, dear.
लेकिन उसने फिर तेरी रैगिंग कर दी। वैसे तेरी ही पार्टी में तुझे नीचा दिखा दिया। मेरी तरह उसमें भी कुछ है जो तुम्हें औरों से अलग करता है। बर्थडे के अलावा कुछ कॉमन नहीं है हमें, और बर्थडे तो अब मैं इसका स्पॉइल करूंगी जैसे इसने मेरा किया है।